हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप दोस्तों? आज का जो वीडियो है ये अबाउट एस्ट्रल इंटिमेसी है। इसके पहले कुछ दिन पहले ही मैंने सेक्सुअलिटी ट्विन फ्लेम्स में कितना कितना मैटर रखती है इस पर मैंने बताया था, छोटा सा वीडियो बनाया था मैंने अबाउट। पर आज क्योंकि मुझे क्वेश्चन आया था एक सब्सक्राइबर का कि मैम मुझे चक्रास अपने स्पिन करते हुए फील ही नहीं होते। ऑलरेडी इस पर एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है पहले भी, बट फिर भी हो सकता है कि ये न्यू अवेकनिंग है, वॉट एवर। मुझे अपने चक्रास स्पिन करते हुए फील नहीं होते, मेरी कभी भी एस्ट्रल इंटिमेसी मेरी डीएम के साथ नहीं हुई, तो मैं इनर वर्क क्या सही तरीके से नहीं कर रही हूँ या मैं इस जर्नी पर नहीं हूँ? आप जर्नी पे हो या नहीं हो ये तो मैं आपको पर्सनली ही आपसे बात करके कंफर्म कर सकती हूँ, ठीक है, आपके एनर्जी सेंस करके कि आप इस जर्नी पे हो या नहीं हो। बट ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपका आपका चक्रा स्पिन करता हुआ फील नहीं हो रहा या आपने एस्ट्रल इंटिमेसी एक्सपीरियंस नहीं की तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो। इसी वीडियो में आगे हमारी डिवाइन फेमिनिन ने एस्ट्रल इंटिमेसी को बहुत खूबसूरती से, बहुत गहराई से बताया है, जो शायद अब तक ट्विन कम्युनिटी में किसी ने भी नहीं बताया। लेकिन थोड़ा सा इस प्रश्न का जवाब मैं देना चाहूँगी। पहली चीज़ तो मैं खुद ही एक सवाल करती हूँ कि क्या आपने अपनी हायर सेल्फ को देखा है, कभी फील किया है? ठीक है, आप में से बहुत कम लोगों ने अपनी अपनी खुद की हायर सेल्फ को हर वक्त उसकी प्रेजेंस को फील हार्डली किया होगा, बहुत कम लोगों ने, मतलब ऑलमोस्ट 15% ही लोग होंगे जो यस अपनी ही हायर सेल्फ को उन्होंने हर वक्त अपने साथ महसूस किया है। ठीक है, तो जब आप अपनी ही हायर सेल्फ को नहीं जानते कि मेरी आत्मा, देखिए एक सोल की कॉलिंग, सोल की आवाज़ अंदर से, एक परमात्मा की आवाज़, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, बट अलाइन विद योर ओन हायर सेल्फ इज़ समथिंग डिफरेंट। ठीक है, मैंने अपनी ही हायर सेल्फ को देखा है, ठीक है, कनेक्टेड हूँ, बिल्कुल ऑल द टाइम कनेक्टेड हूँ, बट जब हम अपनी ही हायर सेल्फ से कनेक्टेड नहीं है ऑल द टाइम, तो हम अपने डीएम की हायर सेल्फ को अपने अंदर कैसे देख सकते हैं? मतलब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि यू मस्ट फील योर पर्सन इनसाइड यू बिकॉज यू आर वन, यू द सेम कॉन्शियसनेस, वो आपके अंदर ही है, तो ये बात सुनने में बहुत स्वीट लगती है, बट कैसे माने? हमने अपने को ही नहीं देखा अंदर अपने, तो हम अपने पर्सन की कॉन्शियसनेस को अपने अंदर कैसे फील करें, कैसे समझें कि हम दोनों एक ही हैं? ठीक है, तो इसके लिए साधना करनी पड़ती है, इनर वर्क करना पड़ता है, जर्नी पे ट्रस्ट करना पड़ता है। कि बार बार अगर आप यही क्वेश्चन करते रहोगे कि वो मेरा ट्विन है कि नहीं, ये ट्विन है कि वो ट्विन है, तो डेफिनेटली आप यहाँ तक कभी नहीं पहुँचे हो जहाँ आप टेलीपैथिकली अपने पर्सन की प्रेजेंस को हर पल अपने साथ। आज ही मुझे एक काउंसलिंग आई थी, उन्होंने सिर्फ 3 मंथ्स मेरा इनर वर्क किया है, एंड शी शेयर्ड हर एक्सपीरियंस कि कोई बिलीव नहीं करेगा कि मैं मेरी ट्विन के हायर सेल्फ के साथ हर वक्त रहती हूँ, हम लोग साथ बातें भी करते हैं, रूम में एवरीथिंग। मैंने कहा मैं यकीन करूँगी, बिकॉज मैंने सोल मर्ज की वीडियो में बताई है ये बात कि व्हेन आई वाज टॉकिंग, हम बाज़ार जा रहे हैं तो वो हमारे साथ है, हम उनकी आवाज़ बिल्कुल ऐसे क्लियर सुन सकते हैं जैसे कि आप सामने बात कर रहे हो। ठीक है, बट उसके लिए आपको बहुत प्योरिटी के लेवल पे अपने पहले अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है, और फिर आप उनकी उनको भी अपने अंदर अपने साथ फील कर सकते हो, उनकी पूरे उनके ऑरा को अपने साथ फील कर सकते हो। ठीक है, बट यस, उस लेवल तक पहुंचने के लिए इस जर्नी में पहले ट्रस्ट करना पड़ेगा। इस जर्नी में हम अगर डीएम को कार्मिक और फॉल्स ट्विन फ्लेम नासेस समझ के ही उन पर डाउट करते रहेंगे और उनको जज करते रहेंगे, तो यहाँ तक तो बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है पहुँचना। अब रही बात चक्रा स्पिन क्यों फील क्यों नहीं होता है, देखिए एक एग्जांपल दूंगी कि जब हम लोग एल्टीट्यूड में जाते हैं, ठीक है, तो एकदम से हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, हमको बहुत ब्रेथलेसनेस होती है, बट आप वहाँ पर जो ऑलरेडी सालों से रह रहे हैं उनको नहीं होती है। ठीक है, लाइक दिस, अगर आप बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल हैं
तो आपको चक्रास में बिल्कुल भी स्पिन हो रहा है वो फील नहीं होगा, बट आपके चक्रास ऑलरेडी ओपन है एंड आप एक ओल्ड सोल हो, आप अच्छी साधना करके बहुत हाई लेवल के डायमेंशन पे ऑलरेडी पहुंच चुकी हो, तो आपको वो चक्रास करना बहुत मामूली लगेगा। इट विल नॉट इफेक्ट यू मच, मतलब उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो आपको बिल्कुल मिलेंगे चक्रास करने के, बट आपको वो कुछ सेंसेशन नहीं फील होगी। बट जो लोग नए नए, मतलब जिनकी जो बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल नहीं है, ज़्यादा उनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, उनको अपने चक्रास बहुत ज़्यादा स्पिन करते हुए फील होते हैं, क्योंकि अभी वो अध्यात्म की उस ऊंचाई तक पहुँचे ही नहीं हैं। और उन्हीं लोगों को ज़्यादातर ये जो इंटिमेसी की फीलिंग या एस्ट्रल इंटिमेसी ज़्यादा फील होती है, बिकॉज जब आप अपर चक्रास से ऑपरेट करते हो तो आप इस जर्नी में भी आप इंटिमेसी से बहुत ऊपर अध्यात्म की ऊंचाई में हम लोग पहुंच जाते हैं। हम लोग ये सवाल भी नहीं करते हैं कि मुझे ये एस्ट्रल इंटिमेसी फील क्यों नहीं होती या मुझे होती है। हम अध्यात्म की उस ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं जहां हमको सोल मर्जिंग अपने भगवान से करनी है, डिवाइन मर्जिंग जिसको बोलते हैं, भगवान में मिल जाने की इच्छा, वो तीव्रता, वो एक कितना एक प्यास, एक धुन, जैसे मीरा को गिरधर नागर से मिलने की चाहत थी, इस चाहत में इतना खो जाते हैं जब हमारा थर्ड आई से हम लोग क्रॉस करते हैं, कि ये एस्टर इंटिमेसी वाली चीज़ें बहुत पीछे रह जाती हैं। ठीक है, तो जो 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 इस जर्नी पे ओल्ड सोल नहीं है, बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल नहीं है, उनके साथ इस तरीके के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, और आपके संग नहीं हो रहे हैं, तो आप अपने आप को जज मत करिए, क्वेश्चन नहीं मत करिए। ठीक है, अभी आपको नहीं फील हो रहा है तो आपका आध्यात्मिक लेवल बहुत डेवलप हो चुका है। ज़्यादातर उन्हीं लोगों के संग सब प्रॉब्लम होती है जिनका आध्यात्मिक लेवल उतना डेवलप नहीं हुआ है, उतना आगे नहीं पहुँचे हैं, बट वो भी आगे पहुँचेंगे। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ धीरे धीरे एक्सपीरियंस करके ही होती है, तो यहाँ पर किसी को भी निराश नहीं होना है कि मुझे अगर चक्रास स्पिन हो रहा है, मुझे ये सब एक्सपीरियंस हो रहा है तो मैं बहुत छोटी हूँ या कमज़ोर हूँ, ऐसा नहीं है। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है, आप भी उस आध्यात्मिक जागृति तक पहुँचेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया, तो बेसिकली मैंने उस क्वेश्चन का जवाब एक ही में कर दिया कि चक्रास स्पिन होना या इंटिमेसी की फीलिंग होना, ये दोनों ही चीज़ आपके एक नेक्स्ट लेवल की बात है, जहाँ तक आप पहुँचेंगे आप चिंता मत करिए। और आपको नहीं उसका एहसास है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही इनर वर्क नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपके इंटेंशन अच्छे होना चाहिए कि मुझे अपने भगवान की, अपने प्रभु की प्राप्ति करनी है। ठीक है, समझना चाहिए, बेसिकली दिस इज द कनेक्शन, दिस इज ट्विन फ्लेम, आप ट्विन सोल आप लोग बोलते हो, ये कनेक्शन है, ये रिलेशनशिप नहीं है। आप लोग अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम जो आपने बनाया है उसको चेंज करके एक नया बिलीफ सिस्टम बनाइए, दैट दिस इज़ अ कनेक्शन, दिस इज़ नॉट अ रिलेशनशिप। और इनफैक्ट इट इज़ अ वेरी हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअल लव कनेक्शन, लव ज़रूर मैं बोलूँगी इसको, बट वेरी हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअल अनकंडीशनल लव कनेक्शन। ठीक है, इट्स अ कनेक्शन ऑफ सोल लव, इट्स अ कनेक्शन ऑफ लव इन 5D, दिस इज द लव, अनकंडीशनल स्पिरिचुअल लव इन 5D, दिस इज कॉस्मिक लव। ठीक है, और जैसे कि आपने सुना है कि जैसे फॉरेन के वीडियोज में होता है, इट इज वेरी हाई लेवल ऑफ इंटेंस कनेक्शन, वेरी इंटेंस, इट्स इंटेंस मीन्स इट्स अ हाई लेवल ऑफ वेरी इंटेंसिटी इन द अनकंडीशनल लव। ठीक है, और फिर ये इंटिमेसी, एस्ट्रल इंटिमेसी जो होती है वो फिर किस लेवल पे होती है, देखिए वो होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि आप के पर्सन को जब आपके अंदर की जो ऊर्जाओं को बाहर निकालना हो तो वो एस्ट्रल लेवल पे आके बहुत ही खूबसूरती से आपको फील होता है कि एक एस्ट्रल इंटिमेसी हुई है, और वो आपके अंदर की सप्रेस इमोशंस को रिलीज करने में, ना कि जो हम लोग रिलीज़ करते हैं वो ना होके आपके अंदर के सप्रेस इमोशन रिलीज़ होते हैं। ठीक है, रिसेंटली लास्ट वीक या कुछ दिन पहले ही मैंने वो वीडियो बनाया था, मैं उसको भी पिन कर दूंगी इस वीडियो में, उसको भी सुनिए। तो बेसिकली पर्पस जो इस इंटिमेसी का बहुत है, बट अगर आप कोई ऐसी इंटिमेसी फील कर रहे हो विद योर पर्सन,
तो ये बिल्कुल क्लियर कट है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो आप हर वक्त सोचते रहते हो वही आपके ड्रीम में आपको आता है, ठीक है। ये ड्रीम में अपने पर्सन के साथ फिजिकल होना ये सिर्फ आपकी करंट मेंटल स्टेटस है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपके सबकॉन्शियस में जो डिज़ायर्स आपने भरी रखी हुई हैं और जो एंड इट शोज़ कि कहीं ना कहीं आप लोअर चक्रा से ही ऑपरेट कर रहे हो और इसीलिए आपको कनेक्शन 3D में ही चाहिए। अभी आप जो जो थर्ड डायमेंशनल चक्रास जो हैं उनसे ही आप ऊपर नहीं उठे हो, तो इसीलिए हमारा ऑब्सेशन ख़त्म नहीं हो पाता है, हमारा बंधन ख़त्म नहीं हो पाता है, हमारा डिज़ायर्स ख़त्म नहीं हो पाते एंड हम लोग को वो कनेक्शन 3D में ही चाहिए क्योंकि हम 3D में ही अटके हुए हैं। शादी 3D, बंधन पाना, अपना बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं भी अनकंडीशनल लव नहीं है, यहाँ पर कंडीशनल लव है। तुम्हें अपना बनाना है, पाना है, बांधना है, ठीक है। कंडीशंस हैं तभी मैं प्यार करूँगी, वरना मैं तुमको जज करूँगी, ठीक है। तुम मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं मिले, मैं तुम्हें चाहा, तुमने वो रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मैं तुमको जज करूँगी, मैं तुमको कर्स करूँगी, तुम्हें बुरा बनूँगी। बोल तो ये ट्विन फ्लेम लव नहीं है, ठीक है। चलिए बेसिकली एक शॉर्ट सा उदाहरण देती हूँ कि ट्विन फ्लेम लव क्या होता है। आप खुद भी इसको अपने आप इंस्टेंटली कंफर्म भी कर सकते हो। जब बेसिकली मैंने कई बार वीडियो में बोला कि हमारे पर्सन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो वो बहुत खूबसूरत है, मान लीजिए बहुत हैंडसम नहीं है, या वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की नहीं है, या बहुत ज़्यादा पैसे वाला नहीं है, या वो बहुत पैम्पर नहीं कर रहा है, वो कुछ भी नहीं दे रहा है आपको, कुछ भी नहीं दे रहा है। इनफैक्ट आप गिवर हो, वो सिर्फ टेकर है, फिर भी ऐसा क्या है? वाई ऑफन ऑन वो लोग आते जाते क्यों हैं? बिकॉज यू आर नॉट क्रेविंग फॉर द 3D पर्सन। आप खुद भी उसकी एनर्जी के लिए थ्राइव कर रहे हो, आप भी, आपको भी उसकी एनर्जी, उसका एक ओके भी लिखता है ना वो आपका पर्सन, या एक ठीक है ओके, हल्की सी गोस्टिंग भी कर रहे हैं ना, तो आपको लगता है कि चलो ठीक है, थोड़ी सी सांस में सांस आ गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको वो पर्सन भी नहीं चाहिए, एक्चुअली आपको उसकी एनर्जी चाहिए। तो दिस इज़ द एनर्जेटिक कनेक्शन, जहाँ पर हम लोग सिर्फ ये शादी से ज़्यादा हम लोग वी आर थ्राइव फॉर देयर एनर्जी एंड दे आर थ्राइव फॉर आर एनर्जी। अगर ये कनेक्शन सिर्फ शादी का ही होता, ये कनेक्शन एनर्जी का नहीं होता, तो आज बहुत सारे ट्विंस हैं वो अपने पर्सन से शादी कर उनकी ऑलरेडी दे आर मैरिड विद अदर सोलमेट्स और कार्मिक और स्पाउस, राइट। बट बिकॉज दिस इज एनर्जेटिक कनेक्शन, यू आर थ्राइव फॉर द एनर्जी, दे आर थ्राइव फॉर योर एनर्जी, उनको आपकी एनर्जी चाहिए, आपको उनकी एनर्जी चाहिए। तो इसको एनर्जेटिकली लव करने का प्रयास कीजिए। और अगर जब एनर्जी पे लेवल पे लव करते हो ना, तो कोई दर्द ही नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई शिकायत ही नहीं है, ठीक है। चलिए इसको हम और चीज समझेंगे जमा फेमिनिन से कि एग्जैक्टली ये एस्ट्रल इंटीमेसी होती क्या है, राइट। हेलो माय डियर सोल फैमिली, थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे एक और मौका दिया अपनी सोल कम्युनिटी को, अपने सोल सिस्टर्स को कुछ गाइड करने के लिए। मैं आज जो जिस बारे में बोलना चाहती हूँ वो एस्ट्रल इंटीमेसी का टॉपिक है। मैं इसके ऊपर इसलिए बोलना चाहती हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं इस पर, जो कि बहुत अलग अलग बातें करते हैं, जिससे बहुत चांसेस हैं कि न्यू अवेकनिंग्स और मिड ऑफ द अवेकनिंग्स के लोग मिसगाइडेड हो सकते हैं। और तो मैं कोशिश करूँगी कि इस बात की डीपनेस को एक सिंपल फॉर्म में समझा सकूँ, ताकि हमारी कम्युनिटी मिसगाइडेड ना हो। क्योंकि अगर कम्युनिटी मिसगाइडेड होती है तो डार्क फोर्सेस के लिए बहुत ईजी हो जाता है लूप में फंसा देना। तो इसीलिए मैं आज इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं इसको ऐसे समझाऊंगी कि जो हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, एक सोल की जर्नी होती है, उसकी दूसरे अनदर काउंटर पार्ट से रीयूनाइट होने के बीच में बहुत लैक्स ईयर लग जाते हैं, बहुत सारे दिन लग जाते हैं उनको रीयूनाइट होने में। तो जो इतने लाखों का जो सेपरेशन, लाखों ईयर का सेपरेशन जो बीच में रहता है, उसके जितने भी इनकारनेशन होते हैं दोनों सोल की, तो उनमें बहुत सारे वो लर्निंग्स लेने के साथ साथ बहुत सारे वुंड्स और बहुत सारे इश्यूज भी वो इकट्ठा कर लेते हैं। जो कि हम सबको पता है, जब हमको एक लाइफ टाइम मिलती है,
इस सब को हील करने के लिए और फिर अपने काउंटर पार्ट से मिलने के लिए, वो है ह्यूमन लाइफ टाइम जो कि बहुत कम टाइम का होता है। तो उस टाइम ये होता है कि जो दोनों काउंटर पार्ट एक साथ ह्यूमन बॉडी में एक ही मतलब रेलम्स में इंकार्नेट होते हैं, उस टाइम जो एक काउंटर पार्ट होती है उसका जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है वो अपने काउंटर पार्ट को, अपने दूसरे सोल को खींचती रहती है। जैसे कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को खींचता है, वैसे सोल अपने काउंटर सोल को खींचती रहती है। तो ये जो सोल है, जो जो हमारा मैनिपुलेटिव माइंड है, जो हमारा माइंड है, इस चीज़ को वो ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। ये जो पुल होता है, मैग्नेटिक पुल होता है, उस मैग्नेटिक पुल को वो ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता माइंड। और हमें ये लगने लगता है कि एक सेक्सुअल कनेक्शन है, मतलब कि सेक्सुअल अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन फॉर्म में यही एक चीज़ है, कॉमन चीज़ है कि अगर किसी अननोन पर्सन की तरफ हमको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन अट्रैक्शन फील होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये चीज़ जनरेट हो ही जाती है कि ये सेक्सुअलिटी है या फिर क्या है। माइंड समझ नहीं पाता है तो उसे सेक्सुअलिटी में कन्वर्ट कर देता है। और जब ये होता है कि जब कोई ट्विन फ्लेम, मतलब कोई सोल जो है जो 4D लेवल तक आ चुकी है, 4D हायर 4D एंड लोअर 5D डायमेंशन में आ चुकी होती हैं, जहाँ वो लोअर 5D और हायर 4D लेवल वो होता है जहाँ की एक सोल को, एक कोच को ये पता होता है कि हाँ एक ट्विन फ्लेम जर्नी होती है और इसमें इंटेंस कनेक्शन होता है, इंटेंस पुल होता है, उसको ये बात तो पता होती है। तो लेकिन वो भी वो उस चीज को वो लोग इतना जान नहीं पाते हैं कि आगे क्या है। तो वो उनको ये लगता है, जैसे कि फॉरेन के चैनल हो गया या फिर कहीं भी, तो उनको ये लगता है कि एक सेक्सुअल अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब सेक्सुअली वो लोग बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। बट ऐसा बात नहीं होता कि ये बस एक लेवल तक ही ये अट्रैक्शन होती है जो कि सेक्सुअल अट्रैक्शन है। लेकिन जब हमारी सोल आगे बढ़ती है, मतलब हायर 5D लेवल तक आती है और 6D लेवल तक आती है, तब तब ये जो सेक्सुअलिटी का कनेक्शन है ये बिल्कुल भी वहाँ सेक्सुअलिटी का कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि जो हमारी सोल है, सोल को सेक्सुअलिटी समझ नहीं आती, सोल को सेक्सुअलिटी से कोई मतलब ही नहीं है। सोल को इतना पता है लव, पीस और जॉय, सोल को इतना पता है। तो हायर डायमेंशन में, 5D लेवल में और 6D लेवल में सोल अपनी लव, जॉय और जो हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी है उससे अपनी दूसरी सोल को जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रही होती है, जैसे कि फेमिनाइन सोल है, तो उनको वो हील करने की कोशिश करती है, हीलिंग प्रोवाइड करती है, जिससे मतलब वो जो हमारी फेमिनाइन पार्ट है उसका जो पेन है वो कम हो जाता है बहुत हद तक, क्योंकि वो लव, पीस और जॉय देखकर मतलब उसको उनकी जो बहुत इंटेंस पेन है उसे कम करती है। वो होता है बहुत हायर लेवल पे, उसे सेक्सुअल मतलब सॉरी एस्ट्रल इंटीमेसी कहा जाता है। लेकिन ये ज़्यादातर स्लीप स्टेट में ही क्यों होता है? ये स्लीप स्टेट में इसलिए होता है क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हम कम्प्लीटली एक डेथ के स्टेज में होते हैं, एक टाइप का डेथ, हाफ डेथ। उस टाइम हमारा ईगो बिल्कुल होता ही नहीं है, हम बॉडी कॉन्शियसनेस में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो जो हमारे सोल है और हम बहुत दिन से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वगैरह कर रहे होते हैं, इसलिए जो हमारा सोल है वो स्लीप स्टेट में हायर डायमेंशन तक वो जो उसका एक्चुअल रियलिटी है वो उस रियलिटी में पहुंच जाती है। कभी कभी जब हम सो रहे होते हैं तब हम सडनली 5D 6D तक भी हमारी सोल ट्रैवल कर लेती है बहुत दूर तक, और उसी लेवल पे वो बिल्कुल एक प्योर लव की स्टेट में होती है, प्योर लव की स्टेट, जॉय की स्टेट और हैप्पीनेस की स्टेट में होती है, जो हमें पता नहीं होता क्योंकि हमारी 3D बॉडी सो रही है, हमारी ईगो बिल्कुल उस टाइम होता ही नहीं है, कुछ नहीं पता होता है। तो उसी टाइम जो है दूसरी हमारी काउंटर पार्ट की वो जो सोल है वो भी 5D और 6D में ट्रैवल कर रही होती है, तब उन दोनों की मीटिंग होती है 5D और 6D लेवल पे मीटिंग होती है, और वहाँ पे वो लोग जो है लव लव को एक्सचेंज करते हैं, लव, हैप्पीनेस और जॉय को एक्सचेंज करते हैं। एक जो
ओरिजिनल फॉर्म ऑफ लव है वो एक्सचेंज करते हैं हायर 5D लेवल और 6D लेवल में, जिसको कि हमारी बॉडी में भी मतलब वो चीज कुछ फील होता है, क्योंकि हमारे बॉडी भी कनेक्टेड है हमारे सोल के साथ, बींग हम सोए हुए होते हैं लेकिन फिर भी कनेक्टेड रहती है, तो वो उससे हमारे माइंड को ये सिग्नल मिलता है कि ये एक इंटीमेसी का कनेक्शन अभी हुआ, इसी वजह से हम बहुत शांति मतलब वो शांत हैप्पी फील कर रहे हैं। लेकिन ये होता ये है कि जो हायर 5D और 6D लेवल तक हमारी सोल ट्रैवल किए हुए है और हमारे डीएम का सोल ट्रैवल किया है, वहाँ पर हायर लेवल पे वो दोनों इंटीमेट हुए हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज करके आए होते हैं। जब हम धीरे धीरे उठते हैं, जब हम फिर से अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, हमारे जो सोल है वो वापस बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती है, तब हमें ये फील होता है कि नहीं, जब हम सो रहे थे ड्रीम स्टेट में हमारे साथ ये हुआ, हमारे काउंटर पार्ट ने हमारे साथ ये करके गया, और कि ऐसा हुआ वैसा हुआ जो भी हम अपने माइंड में सोचते हैं, बट ये होता है एक्चुअल एस्ट्रल इंटीमेसी, जिसका कि 3D सेक्सुअल कनेक्शन से कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए एस्ट्रल इंटीमेसी जरूरी है और वो ऑटोमेटिक स्टेट में होती है, इसको बिल्कुल भी 3D इल्यूजन वाली इंटीमेसी से कनेक्ट नहीं करना चाहिए और खुद को मिसगाइड नहीं करना चाहिए।